आपको बताएं, फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। चेयरमैन पीटीआई रुबिशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से इस पासपोर्ट पर फरागोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। हुकूमत गिरने के बाद मुल्क को इंतशार में डालकर चेयरमैन पीटीआई की अपनी चोरी और करप्शन पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। लूटी हुई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को गैर मारूफ मुल्क में नाताओं का खुफिया पासवर्ड बना कर दिया गया। दिसंबर 2021 में अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरागोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। प्रॉपर्टी टाइकॉन ने एक और मारूफ बिजनेस को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 फ्राहम किए। 28 मार्च 2022 को फरागोगी के लिए खरीदे जाने वाला वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 को चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जाने से 6 रोज कबल फरागोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद तमाम सफर वेनाताओ के पासपोर्ट पर कराए गए ताकि तहकीकती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रह सके। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई कसीर रकम को ठिकाने लगाने के लिए फरागोगी के खुफिया बैनुल अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को वेनाताओं के खुफिया पासपोर्ट से मुमकिन बनाया।